मेरठ पुलिस ने तीन शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। तीनों लुटेरों के पास से लूटी हुई रकम, सोने की चेन और तमंचे बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाशों ने दो दिन पहले लूट के विरोध में एक महिला को गोली मारकर अधमरा भी कर दिया था। खुलासा करते हुए एसपी सिटी ने बताया कि शहर में बढ़ती लूट की घटनाओं को लेकर थाना सदर बाजार पुलिस और सीओ कैंट की टीम को लुटेरों की धरपकड़ के लिए लगाया गया था। आसियो कैंट और सदर बाजार थाना पुलिस ने तीन बदमाशों को धर दबोचा है। पकड़े गए तीनों बदमाश शातिर किस्म के लुटेरे हैं, जो मेरठ के अलावा गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर में लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पिछले कई दिनों से यहाँ पर जो लूट की घटनाएं हो रही थी, चैन स्नैचिंग, उसमें एएसपी साहब और उनकी टीम और सदर थाना मिलकर एक तीन शातिर लुटेरे पकड़े हैं, जिनके कब्जे से तमंचा, कारतूस, 26,000 रुपये लूटे हुए और एक चैन बरामद हुई है। लगभग एक दर्जन के करीब उन्होंने चैन स्नैचिंग और लूट की घटना हमारे नगर क्षेत्र में जनपद की कबूल की है, और इनके कुछ साथी अभी रह गए हैं। जिस सुनार को ये बेचते थे वो भी अभी गिरफ्तारी शेष है। यहाँ के अलावा ये जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ भी ये घटना करते थे, सात किस्म के हैं। 20 तारीख को उन्होंने रेलवे रोड पर एक बैंक ऑफिसर महिला को इसी अटेम्प्ट के दौरान उन्होंने फायर भी किया था, जिसमें उसके और उसके माँ के गोली लगी थी, बाल बाल जान से बचे। पहले भी कोई इनका अपराधी इतिहास है? इनका 13 के करीब मुकदमे हैं और भी मुकदमे उनके ढूंढे जा रहे हैं। सातवें किस्म के हैं, अच्छी खासी कन्विस्टी है और एक दर्जन के करीब उन्होंने नगर क्षेत्र में घटनाएं कबूल की हैं। उनका माल बरामद हुआ है। जो भी कोई महिला है, चल रही है या किसी स्कूटर या किसी वाहन से जा रही है, उसको पहले चेज करते हैं, पहले पहचानते हैं, फिर उसको बाद फॉलो करते हैं और सुनसान इलाके में या घर में कहीं उतरते समय उस पर अटैक करते हैं, और अगर वो ज़्यादा अगर वो रिप्लाई देते हैं तो फायर भी कर देते हैं। वहीं पुलिस का मानना है कि इन बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद से आसपास के इलाके में होने वाली लूट की घटनाओं पर अंकुश लगेगा।